हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ देखिए, दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं खा रही हूँ तरबूज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि छाली मेरे बहुत ज़्यादा थी ना, तो अभी आराम तो है लेकिन उतना नहीं है। बहुत अभी आधे समझ लीजिए कि आधा सा आराम मुझे भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा तो आराम नहीं है। तो मैं तरबूज खा रही हूँ ठंडा ठंडा, कि थोड़ा सा मुझे आराम मिले। तो वो भी लग रहा था मेरे छालों में, तो ये तो आपको सिर्फ बाहर दिख रहे थे और अंदर बहुत ज़्यादा थे। तो हाँ, थोड़ा सा आराम है। हालांकि तरबूज इतना वैसा नहीं निकला था, लेकिन कोई नहीं, ठंडा ठंडा है तो चला चलता है। तो बस यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं तरबूज, उसके बाद मैं लगाऊंगी खाने का नंबर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मतलब बनाऊंगी प्याज वगैरह डाल के, तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से बताऊंगी आपको, जो मेरे नॉर्मल बनती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल किया, उसमें डाला है मैंने हींग और अजवाइन। मैं भिंडी अजवाइन में ही छौंकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे भिंडी को मैंने अच्छे से धो के पोंछ के काट लिया था, उसी के साथ कट कर ली थी खूब सारी प्याज, यानी 2-3 प्याज ली थी मैंने, और उसी में हरी मिर्ची काट ली थी। तो यहाँ पे डाला है मैंने हल्दी पाउडर, और ये प्याज भिंडी और हरी मिर्ची, यानी हरी मिर्ची थोड़ी लाल हो गई थी, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था, बहुत बढ़िया सा एक कंट्रास्ट सा बन गया था, ग्रीन या वाइट और रेड का। तो ये देखिए, बस हल्दी डाल करके मैंने भिंडी को छोंक दिया है। अभी मैं मसाले कुछ ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ हल्दी और नमक इतना ही ऐड करती हूँ। बाकी सारे मसाले मैं बाद में ऐड करती हूँ, इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जब अच्छे से भिंडी पक जाती है तब। तो बस अभी नमक डाल देंगे, और नमक डाल करके इसको धीमी धीमी आंच पे पकाऊंगी, कि बिल्कुल पानी ना छोड़े, एकदम ड्राई ड्राई सी बने। तो बस ऐसे ही चलाते हुए और धीमी आंच पे बिल्कुल ढक करके ऐसे ही हम पका लेंगे। बहुत अच्छी बनती है, दो प्याजा जैसा टेस्ट हो जाता है, भिंडी दो प्याजा होता है ना, उसमें क्या ये है कि एक बार और डलती है प्याज छोंकते टाइम, और फ्राई भी होती है। तो यहाँ पे मैं अब छान रही हूँ आटा, क्योंकि भी बनाने हैं मुझे पराठे। तो भिंडी के साथ ना पराठे का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, तो पराठे बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी साथ में। तो बस यहाँ बैठ के आटा छान रही हूँ। तो चलिए अब हम बना लेते हैं फ्रूटी। तो फ्रूटी की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यहाँ दो आम लिए हैं और एक कच्ची कैरी ली है मैंने। तो ये दो आम से ही 2 लीटर हम फ्रूटी तैयार करेंगे, बहुत सस्ते में, बहुत ही लाजवाब टेस्ट। तो आम मैंने जो नॉर्मल जो अभी चल रहे हैं सीजनेबल जो भी हैं वही मैंने लिए हैं, सब कुछ नहीं कि अलग से कोई आम लिया है। बट ये हाँ, मीठे खट्टे वो उसके ऊपर है, चीनी की क्वांटिटी घट जाएगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आम को हमें धो करके अच्छे से छील लेना है, इसका छिलका जो है हमें उतार लेना है, कच्चे आम का भी, और ये दोनों हम पक्के आम हैं ये। तो मेरे आम जो थे वो मीठे थे, ज़्यादा वैसे नहीं थे, खट्टे नहीं थे, और वैसे इन दिनों ना खट्टे भी आ रहे हैं आम। थोड़ा सा ये है इसमें कि चीनी की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, अगर आम आपके खट्टे हैं तो चीनी ज़्यादा डल जाती है, और आम मीठा है तो चीनी कम लगती है। तो हम यहाँ जो कच्ची कैरी ली है ना, उससे टेस्ट ही अलग आएगा फ्रूटी का, एकदम ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन और हल्का सा मीठापन, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए आम को हम इस तरीके से छील लेते हैं, दोनों आमों को, और यहाँ कच्ची कैरी को भी हम ऊपर से छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है, इनको इनका जो पल्प है ना, गूदा है, वो निकाल दिया है, गुठली को अलग कर दिया है। तो देखिए, कच्ची कैरी भी है इसमें और जो मीठा आम है वो भी है, दोनों तरह के आम को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और उसे अब हम पीसना है। तो यहाँ हमने मिक्सर जार में डाल दिया है दोनों तरह के आमों को, और साथ ही में हम डालेंगे चीनी। तो अब चीनी की क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ, चीनी की क्वांटिटी आप 250 ग्राम से 300 ग्राम तक कर सकते हैं, 250 ग्राम से 300 ग्राम तक। ऐसे कटोरी से नापें तो आप यहाँ 1.5 कटोरी चीनी आप यूज़ कर सकते हैं, 1.5 जो कप होता है वो। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो यहाँ पे 1.5 से 2 कटोरी तक यूज़ हो सकती है, अगर आम मीठे हैं तो आपको 1 कटोरी ही काफ़ी रहेगा, यानी 250 ग्राम चीनी काफ़ी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैंने 250 ग्राम चीनी का यूज़ किया है, और अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पीस लेना है आम को और चीनी को। तो यहाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो है पल्प तैयार हो गया है आम का।
मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी मतलब बढ़िया सा फाइन पिस गया है। तो इसको वैसे छानना है लेकिन अभी नहीं हम छानेंगे, हम बाद में इसको देखेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत तो रह जाते हैं ना कुछ जैसे छाछ से होती है वो। तो अब यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई, ये मैंने अपनी भारी तले वाली कढ़ाई ली है। इसमें आप कढ़ाई भारी तले वाली लें तो ज़्यादा बेटर है कि कहीं नीचे से जल ना जाए। तो यहाँ पल्प को हमने निकाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद हम यहाँ पे पल्प को चलाएंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। तो यहाँ पे देखिए पल्प जो है हमारा जो मैंगो है वो पक रहा है, और साइड साइड से आप देख सकते हैं अच्छे से पक रहा है ना। तो इस तरीके से हमें धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए उसको पकाना है। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट आपको चलाना है, पर हाँ बीच बीच में चलाते ज़रूरी है, नहीं तो नीचे चीनी है ना तो थोड़ा सा लगने का डर रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको चलाती जाऊँगी और अच्छे से पकाना है इसको। हमें कम से कम 10 से 12 मिनट इसको पकाना है, तभी हमारा जो फ्रूटी है वो टेस्टी बनेगी, और दूसरा ज़्यादा दिनों तक स्टोर भी कर पाएंगे हम इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी इसका कलर आप देख रहे हैं कैसा है, लेकिन पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं, खुद आप देख लीजिए, इसका कलर अलग से मालूम पड़ा, एक शाइन सी आ जाती है पकने के बाद में, एक जो जेली जैसा ना टेक्सचर हो जाता है इसका। तो अच्छे से यहाँ पे हम चीनी के साथ इसको पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, 15 मिनट भी हो जाए तो भी कुछ नहीं। अब हम यहाँ पे लास्ट जो है वो डालेंगे एक चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर जो होता है सिरका, वो इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ हमें ज़्यादा चाहिए थोड़ी सी। अभी आप इसको 15 से 1 महीने तक आराम से रख सकते हो फ्रिज में, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। तो बस विनेगर डाल करके 2-3 मिनट तक और पकाइए। आप देख सकते हैं साइड साइड से थोड़ा ना चिपक सा रहा है, यानी जेली जैसा फील आ रहा है इसमें, और शाइन भी आ गई है। तो बस यहाँ पे हमारा जो इसका फ्रूटी का जो पल्प है वो अच्छे से पक गया है, और बहुत अच्छी शाइन भी आ गई है, पता चल रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस यहाँ इसको पका के छोड़ देना है और इसको ठंडा होने देना है हमें रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ ठंडा होने के बाद इसको हमें छानना है। तो यहाँ छानने से पहले मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिला लिया था, क्योंकि वो होने के बाद ना गाढ़ा होने के बाद, ठंडा होने के बाद ही और गाढ़ा हो गया था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया, इसे छानने में ईजी रहे, क्योंकि पानी तो हमें इसमें वैसे भी मिलाना है, क्योंकि अभी इतना गाढ़ा थोड़ा ना फ्यूटी पियेंगे, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा पानी से ईजी हो गया था छानना। तो यहाँ पर अच्छे से इसको छान लीजिए, जैसे जो भी थोड़ी बहुत मोटा इसका जो पार्टिकल रह गया हो वो सब निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने छाना है तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है, और जैसे किसी किसी आम में थोड़ा सा वो रहता है ना, बाल बाल से होते हैं तो वो भी रहता है। तो इस तरीके से आप छाने ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने छाना है, और ये पीने में भी फिर एकदम मार्केट वाली फीलिंग आएगी, फ्रूटी वाली। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए इतना निकल गया था, तो ये भी बहुत अच्छा लगा था, बच्चों ने रोटी पे लगा के खाया था, बहुत बढ़िया लगा। तो बस यहाँ पे अभी देखिए ये काफ़ी गाढ़ा है, तो अभी हम इसमें कम से कम 1.5 लीटर पानी हम मिलाएंगे। तो ये देखिए अभी ये बर्तन छोटा है मेरा, मैंने थोड़ा बाद में भी यूज़ किया था। तो ये देखिए अभी अच्छे से इसको पानी मिक्स कर लीजिए। अच्छा पानी का मैं बताऊँ आपको, पानी आप फिल्टर ही यूज़ करें RO वाला, क्योंकि उससे ये इसकी जो सेल्फ लाइफ है ना वो ज़्यादा रहेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया है इसका, देखिए काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी इसमें और पानी कर सकते हैं हम, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे 1 लीटर के करीब ही पानी मिलाया है, अभी थोड़ा सा पानी हम और मिला सकते हैं, कि टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो चलिए अभी इसे कर लेते हैं हम एक जार में। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप कांच का जार लें, साफ़ हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई भी गंदगी ना हो, और कांच का हो, तो उसमें सेल्फ लाइफ इसकी ज़्यादा रहती है। अब इसको आप अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं महीना भर तक के लिए, 25 से 30 दिन के लिए आराम से, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये एकदम बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से पकाया है तो ख़राब होने का चांस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रखना फ्रिज में है, और कांच के बर्तन में ही रखें, और साफ़ बर्तन होना चाहिए। तो देखिए कितना कलर, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो चलिए अब इसको हम डाल लेते हैं ग्लास में, सर्व कर लेते हैं बच्चों के लिए। आप इस कलर देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया है, और मैं सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी, के बच्चे तो खुश होंगे, आप बड़ों को भी दीजिए, गेस्ट आते हैं घर में बना के रख लीजिए, गेस्ट को सर्व कीजिए, और बहुत सस्ता भी पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है। सिर्फ 2 आम से हमने इसको बनाया है, और 2 लीटर हमारा जो है फ्रूटी बन के तैयार हो गया, और उसका कहें
कि हाँ शुद्धता तो वो हमें पता ही है, हमने खुद से बनाया है कि कितना शुद्ध है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैंने ग्लास में डाल दिया है इसको। और बस इसमें ऊपर से डाल दीजिए आइस, जब भी कोई आए तो दीजिए अपने मेहमानों को, बच्चों को, गेस्टों को, कोई भी आए घर वालों को। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रूटी की, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।